और राजेश बादल का पड़ाव है बिहार में भागलपुर। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। प्रमथेश चंद्र बरुआ को जानते हैं आप? नहीं याद आया ना, मैं बताता हूँ। 75 साल पहले असम की चुनावी राजनीति में एक मजबूत नाम था और बरुआ उस वक्त विधानमंडल के सदस्य हुआ करते थे। बाद में जब देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई तो बरुआ उसमें शामिल हो गए और बाद में इन्हीं बरुआ साहब ने 1935 में बंगला में देवदास फिल्म बनाई, जो भारत के फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। और देवदास की रचना बिहार के इस इलाके में गंगा के इन्हीं घाटों के इर्द गिर्द शरदचंद्र ने की थी। गंगा के इन किनारों, घाटों और पुरानी इमारतों में विचरते शरदचंद्र ने देवदास समेत कई बेजोड़ रचनाएं दी। शरदचंद्र के अंदर का लेखक भागलपुर के इसी मकान में पैदा हुआ। भागलपुर में बड़ी संख्या में रहने वाले बंगाली हर चुनाव में हर दल के नेता से मांग करते रहे हैं कि दूसरी बड़ी हस्तियों की तरह यहाँ शरदचंद्र की भी एक प्रतिमा लगाई जाए। हालांकि शहर में शरद के नाम पर यह सड़क जरूर मौजूद है, जो किसी भी राहगीर का ध्यान नहीं खींच पाती, जबकि शहर के सभी चौराहों पर देश के करीब करीब सभी बहुचर्चित लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं। नेताओं ने प्रतिमा के लिए वादे भी किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इस बार बंगाली समाज ने चुनावों के दौरान भुलक्कड़ नेताओं से हिसाब चुकता करने की ठान ली है। हम लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि बंगाली लोग उन्हीं को अपने मत दें जो शरद बाबू का मुद्दा उठाएं और शरद बाबू का कम से कम मूर्ति यहां बैठाएं। भागलपुर बिहार का एक खास कारोबारी शहर है। अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर इसकी पहचान 1000 साल पुरानी है। मौजूदा दौर में ये शहर दंगे और बदनाम आंख फोड़ कांड की वजह से भी सुर्खियों में रहा है। वर्तमान संकट के लिए कौन जिम्मेदार? लेकिन चुनावी मौसम में भागलपुर को देश के नक्शे पर पहचान दिलाते हैं काका धरती पकड़। अब तक 278 बार चुनाव मैदान में उतर चुके धरती पकड़ राष्ट्रपति पद समेत तमाम तरह के चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं। 11 प्रांतों का दौरा किया। इन दिनों शहर भर के लोगों को अपनी जीप में बिठाकर पानी पिलाते हैं और अपना संदेश देते हैं। जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के लोग प्यासे मरते हैं, ये है यहाँ की हालत। बिहार में धरती पकड़ जैसे उम्मीदवार ही चुनाव को दिलचस्प नहीं बनाते, चुनाव पर चर्चा के मंजर भी यहाँ कम निराले नहीं है। बिहार में इन दिनों लोगों ने चुनावी चौपाल के लिए एक नई जगह खोज निकाली है। सर पर भागती बसों की छतों पर लोग पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री और संसद से लेकर सोनिया गांधी तक सबकी जमकर खबर लेते हैं। आइए चलते हैं ऐसी ही एक चर्चा में। चर्चा शुरू होती है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था से। ये है कि लोग सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं तो समझते हैं कि एक दिन का सफर आज या एक दिन की जिंदगी पूरी हुई। मतदाता जो है वो सारे दलों के नेताओं से निराश है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। क्या? बिल्कुल निराश है मतदाता। नेता अपना विश्वास खो चुका है मतदाताओं का। पब्लिक के दुख दर्द को सुना नहीं आके आज तक। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नेता लोग रह रहे हैं। जो भी नेता है वो पब्लिक का खून चूसा है। अच्छा बताइए, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, निश्चित। कहीं कोई शंका नहीं है? कहीं कोई शंका नहीं, विकल्प है ही नहीं। उनके अलावा और कोई दूसरे बनने के लायक भी नहीं है। आपकी कल्पना, आप सबकी बात से ऐसा लगता है कि बीजेपी में कोई खराबी है ही नहीं? बीजेपी खराबी है लेकिन मजबूरी है। अंधे में और बाकी किनको चुने? बाकी पार्टियों से अभी विकल्प में प्रधानमंत्री अटल बिहारी अलावा छुड़ा के कोई और है ना? सोनिया तो बन ही नहीं सकती है। कौन है आप ही बताइए, प्रधानमंत्री बनने लायक कौन? अटल बिहारी वाजपेयी किस में काबिलियत है? किसी ने डिक्लेयर किया कि हम प्रधानमंत्री बनावे कांग्रेस में या किसी और? क्या लालू यादव को प्रधानमंत्री बनावेंगे? बिहार का स्थिति देखिए, अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या होगा आप सोच लीजिए। तो ये था बस का एक सफर और अब चलते हैं हमारी सहयोगी रविंदर बाबा के।